आज हम सुनेंगे सुनहरा हिरन, और यह कहानी लिखी है शंकर ने, और यह भी चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट ने छापी है। प्राचीन काल में एक हिरन गंगा नदी के किनारे जंगल में रहता था। वह ऊंचा, लंबा, हष्टपुष्ट व बड़ा सुंदर था। उसका शरीर सुनहरा था, उसके पेचदार सींग चांदी के समान चमकीले और टांगे काले रंग की थी। फल फूल से हरे भरे इस जंगल में वह हिरन सुख शांति से अपने दिन बिता रहा था। एक दिन रात को वह बचाओ बचाओ की आवाज सुनकर जाग उठा। वह तुरंत नदी किनारे पहुंचा। वहां उसने एक आदमी को डूबते हुए देखा। सुनहरे हिरन ने आवाज दी, भाई घबराओ मत, मैं अभी आता हूं। और वह नदी में कूद पड़ा। उस आदमी के पास पहुंचकर उसने कहा, लो भाई मुझे पकड़ लो। डूबते हुए व्यक्ति ने हिरन को पकड़ लिया और दोनों सकुशल किनारे आ गए। अपनी जान बचाने के लिए उस व्यक्ति ने हिरन को बहुत धन्यवाद दिया। हिरन उस आदमी को अपने घर ले गया और कहा, आप कुछ दिन यहाँ रहकर आराम करें। वह व्यक्ति मान गया। उसने अपने बारे में हिरन को बताया, मैं एक व्यापारी हूँ, दुर्घटनावश मैं नदी में गिर पड़ा, यदि तुम नहीं बचाते तो मैं अवश्य ही डूब जाता। यह तो मेरा धर्म है, हिरन ने कहा। कुछ दिनों में व्यापारी स्वस्थ हो गया। अब वह अपने घर लौटना चाहता था। सुनहरे हिरन ने कहा, ठीक है, मैं आपको अपनी पीठ पर बिठाकर वाराणसी जाने वाली सड़क पर छोड़ दूंगा। वहां आपको उस ओर जाने वाले और भी व्यापारी मिल जाएंगे, लेकिन मेरा एक अनुरोध है। व्यापारी ने कहा, हाँ हाँ कहो, मेरे बारे में किसी से कुछ न कहिएगा। ठीक है, दूसरी बात, मुझे खोजने में किसी की मदद नहीं करिएगा। व्यापारी बोला, ठीक है, मैं वादा करता हूँ। हिरन ने व्यापारी को वाराणसी जाने वाली सड़क पर पहुंचा दिया। उस दिन सुबह वाराणसी की रानी ने सपने में एक सुनहरा हिरन देखा। उसे लगा मानो वह हिरन सपने में उसे उपदेश दे रहा हो। जागने पर रानी महाराज के पास पहुंची और सपने के बारे में बताया। फिर बोली, महाराज मुझे वह सुनहरा हिरन मंगवा दीजिए, मैं उससे उपदेश सुनना चाहती हूँ। अगर वह न मिला तो मैं प्राण त्याग दूंगी। राजा सोच में पड़ गया। उसने तो सुनहरे हिरन के बारे में कभी सुना भी नहीं था, फिर उसका पता कैसे लगाया जाए। राजा ने बड़े बड़े पंडितों को बुलाकर सुनहरे हिरन के बारे में पूछा। पंडितों ने बताया कि एक सुनहरा हिरन है तो अवश्य, पर वह कहाँ मिलेगा यह किसी को नहीं पता। राजा ने हिरन का पता लगाने वाले को मुंह मांगा पुरस्कार देने की घोषणा की। उस व्यापारी ने भी पुरस्कार के बारे में सुना। वह भागा भागा राजा के मंत्रियों के पास गया और सुनहरे हिरन के बारे में सब कुछ कह सुनाया। मंत्री व्यापारी को राजा के पास ले गए। हिरन के बारे में सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने आदेश दिया कि सारी प्रजा उसके साथ हिरन की खोज में चले। व्यापारी राह दिखाता हुआ उन सबको उस जंगल की ओर ले गया। राजा ने आज्ञा दी कि सुनहरे हिरन को जीवित ही पकड़ा जाए। उस छोटे से जंगल में असंख्य लोग घुस गए। जब वे सब जंगल के चारों ओर घेरा डाल रहे थे तो राजा ने सबको चेतावनी देते हुए कहा, देखो हिरन किसी भी हालत में भागने न पाए। सुनहरे हिरन ने लोगों को अपनी ओर आते हुए देखा। वे हथियार लिए हुए थे। तभी कुछ दूरी पर राजा को देखकर वह उसकी ओर भागा। हिरन को अपनी ओर लपकते देखकर राजा के मन में आया, अरे यह तो बहुत विशाल है, कहीं यह मुझ पर झपट न पड़े। अच्छा हो कि मैं धनुष बाण लेकर तैयार हूं, यदि यह भागेगा तो मैं तीर मारकर घायल कर दूंगा। राजा के पास आकर हिरन ने आदमी की आवाज में बोली में कहा, महाराज मैं स्वयं ही आपके पास आ गया हूं, मुझ पर तीर मत चलाइए। हिरन की मीठी बोली सुनकर राजा चकित सा उसे देखता ही रह गया। हिरन ने कहा, हे राजन यह बताइए कि आपको मेरा पता किसने दिया। राजा ने व्यापारी की ओर संकेत करते हुए कहा, इस आदमी ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया, यही हम सबको यहाँ लाया है। तुम्हें खोजने के लिए मैंने एक बड़े पुरस्कार की घोषणा की थी,
हिरण ने विनम्रता से कहा, महाराज इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो अपनी मदद करने वालों को धोखा देते हैं। एक बार यह व्यापारी गंगा नदी में डूब रहा था, तब मैंने ही इसे बचाया था। अब इसी आदमी के कारण मेरा जीवन संकट में पड़ गया है। यह सुनकर राजा को बड़ा क्रोध आया। उसने क्रोधित स्वर में कहा, ऐसे व्यक्ति को मृत्यु दंड मिलना चाहिए। यह सुनकर दयालु हिरण ने कहा, किंतु महाराज मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण इसे कोई दंड मिले या हानि पहुंचे। आप अपने वचन के अनुसार इसे पुरस्कार अवश्य दीजिए। हिरण की बात सुनकर राजा स्तब्ध रह गया। उसने प्रशंसा भरे स्वर में कहा, ओ हिरणों के राजा, वास्तव में तुम महान और उदार हो। तुम्हें जो कुछ चाहिए वह मांगो, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। हिरण ने कहा, राजन मेरी केवल इतनी ही विनती है कि इस राज्य में कोई किसी जीव जंतु को हानि न पहुंचाए। राजा ने हिरण की बात सहर्ष स्वीकार कर ली और कहा, ठीक है ऐसा ही होगा। राजा सुनहरे हिरण को लेकर रानी के पास गया। सपने में सुनहरे हिरण को देखकर रानी बहुत खुश हुई। हिरण बहुत समय तक उपदेश देता रहा और रानी उसकी ज्ञान की बातें सुनती रही।